स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके चैनल स्टडी टुगेदर पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9 का जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 5 जो कि हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उस चैप्टर के ऊपर लेकर के वीडियो आया हूँ। तो ये चैप्टर बेसिकली इसमें हम पढ़ चुके हैं प्लेट्यूज़ के बारे में, हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम हिमालयन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम इंडिया के कोस्टल लाइन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो और हम इसके पहले हम इंडिया का फीचर्स भी जाने थे, इंडिया में क्या क्या है, इंडिया के समुद्र के बारे में समझे थे, जो इंडिया अपने 3 साइड से समुद्र से कवर्ड है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हमारा जो 2 टॉपिक और बचता है, पहला पेनिनसुलर प्लेट्यू और लास्ट जो हमारा बचेगा वो द आइलैंड्स बचेगा, वो सबको हम कवर कर लेते हैं इसी पार्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो का, देखते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो मैं आपसे पहला एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप खुद सोचें एक बार, पेनिनसुलर होता क्या है, पेनिनसुलर किसी चीज़ को कैसे हम बोल सकेंगे, पेनिनसुलर मतलब क्या होता है। हम अगर इंडिया का मैप कोई सोच देखें तो इंडिया का मैप नीचे में कुछ ऐसा दिखता है, इंडिया का मैप नीचे से कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर का पार्ट अगर आप देखें तो ऐसे करते हुए ऊपर चल जाएगा और वो ऐसे घूमते हुए उधर से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे का पार्ट है वो देखे होंगे यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। मैप पे भी हम इसको देखेंगे लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी यहाँ बता दूं, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। इंडिया का अगर हम 3 साइड को देखें, ये साइड और ये साइड, इंडिया किससे कवर है, वाटर से। यहाँ पे क्या है, हर जगह में वाटर, हर जगह में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये क्या चीज़ से कवर्ड है, वाटर से। जो बॉडी वाटर से कवर्ड होता है कितने साइड से, 3 साइड से, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर मतलब होता क्या है, ऐसा बॉडी जो कि वाटर से कवर्ड हो 3 साइड से, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हमारा भी तो इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये तो पेनिनसुलर है हमारा इंडिया का 3, एक तरफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नीचे में इंडियन ओशन, 3 तो हमको कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो हम उसी के बारे में यहाँ पर अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा प्लेट्यू है वो बना कैसे, जो हमारा लैंड है वो बना कैसे। ठीक है, द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आर कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विच फॉर्म ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो मैं आपको चैप्टर का पार्ट 1 में बताया था रॉक्स के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से कंटिन्यू हुआ है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं या फिर आप पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, सारा देख करके आए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा वो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, हमारा जो इंडिया का जो प्लेट्यू है वो जो पेनिनसुलर है चार तीनों तरफ से घिरा हुआ है। पेनिनसुलर मतलब जो तीनों तरफ से घिरा हुआ हो और प्लेट्यू मतलब जो थोड़े हाइट पर हो। ठीक है, वो हाइट मतलब वो हिल इतना हाइट नहीं, छोटा हिल से छोटा हाइट पर हो, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, वो तो सब आपको पता ही है। और द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा इंडिया का वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक क्या होता है, जो रॉक लावा से निकलता है वैसा रॉक। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जो रॉक अर्थ के अंदर से निकलता है, अर्थ के अंदर से निकलता है और वो रॉक में रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के हाई होने के कारण, किसके हाई होने के कारण, प्रेशर और टेम्परेचर के। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं, इग्नियस रॉक जो लावा से निकलता है, लावा मतलब अर्थ के जो वोल्केनो से निकलता है वो वाला रॉक, और जो रॉक अर्थ के अंदर से निकलता है जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने के कारण बनता हो उसको कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। और इन्हीं दो रॉक से हमारा ये अर्थ का जो सॉरी हमारा इंडिया का जो जमीन है वो बना है। ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड एक और लाइन है, विच फॉर्म ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जो हमारा ये जमीन है एक जगह जो आकर के मिल गया वो क्यों हुआ, एक लैंड था पहले, दुनिया एक ही जगह में सीमित था, मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे उसका ऐसे करके दुनिया का मैप था, सारे कंटिनेंट एक ही जगह थे, फिर वक्त चला कुछ फोर्स उस पर एक्ट किए तो सारे यहाँ पे अमेरिका आ गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका इधर और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, और यहाँ पे एंटार्क्टिका, यहाँ आर्कटिक टर्न, ऐसा हुआ। अब का अर्थ ऐसा दिखता है हमको,
ठीक है, वो जो अर्थ हमारा ऐसा किस लिए दिख रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर और फोर्स का कुछ वर्क हुआ, खासकर फोर्स का, ठीक है। तो ये जो लैंड है ना, ये दो लैंड है, इन्हीं लैंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं से ही गोंडवाना लैंड टूट के निकले थे। गोंडवाना लैंड अर्थ का ओल्डेस्ट लैंड है, क्या है, ओल्डेस्ट लैंड, वही है हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक, और उसी से बना हुआ है हमारा इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक। चलिए, प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन, प्लेट्यू के पास दो डिवीजन होते हैं, हमारे इंडियन प्लेट्यू में खासकर दो डिवीजन है, पहला सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। हाँ, दो डिवीजन, जो पहला सेंट्रल हाईलैंड है, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू है। तो सेंट्रल हाईलैंड बनता कैसे है, यहाँ एक रिवर फ्लो होता है, यहाँ एक रिवर फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र से बहते हुए ये मध्य प्रदेश तरफ जाता है, ठीक है। ये रिवर का जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, मतलब वो दिल्ली जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। और जो उसके नीचे का एरिया है, जो उसके नीचे का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। मैप पे भी देखेंगे और मैं एक इमेज भी आपके लिए यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो इमेज। तो सेंट्रल हाईलैंड होता क्या है, वर्ड्स में भी समझ लेते हैं, सेंट्रल हाईलैंड होता क्या है, ऐसे नर्मदा रिवर जो है उसके ऊपर में जो जमीन है इंडिया का उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और नर्मदा रिवर के नीचे में जो जमीन है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इसको मैप में भी हम देखेंगे, पहले अभी हम यहाँ देख लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवर्स अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये मालवा प्लेट्यू आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा, मध्य प्रदेश के आसपास में, ठीक है। और जो पेनिसुलर प्लेट्यू है नर्मदा रिवर का नॉर्थ में, नर्मदा रिवर का नॉर्थ में जो लैंड है उसको हम, और मालवा प्लेट्यू से जो कनेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ये चीज को याद रखें, नर्मदा रिवर का नॉर्थ, साथ ही जो मालवा प्लेट्यू से कनेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर कॉल्ड एज डेक्कन प्लेट्यू। तो जो नर्मदा रिवर का साइड का जो एरिया है ना, सॉरी साउथ का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। अब कई सारे बुक में डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड का नाम सुने होंगे आपको, मे भी याद हो या ना हो, अब अगले बार से जब भी आपको याद आए कहीं पर टर्म आई है डेक्कन प्लेट्यू, तो आप समझ जाइएगा नर्मदा रिवर का साउथ का जो जगह है उसको क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, और नर्मदा रिवर का जो नॉर्थ का जगह है उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड। तो चलिए इसको मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो आपको ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है वही है हमारा नर्मदा रिवर। मैं आपके लिए इसको जूम थोड़ा कर दिया हूँ कैमरा से, तो यहाँ पर और मैग्नीफाई भी कर दिया हूँ ये फ्लो को। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला जो फ्लो है वो है हमारा नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा रिवर के जो मैं बताया, नर्मदा रिवर का जो ऊपर का पार्ट है इसको, ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और नर्मदा रिवर का ये नीचे वाला पार्ट इसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये बात दो याद रखिएगा, ऊपर का पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड और नीचे का पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू। और आपके नॉलेज के लिए भी एक बात बता दूं, नर्मदा रिवर यहाँ गुजरात से होते हुए हो चालू होता है और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया से क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश को दो पार्ट में, नीचे लोअर मध्य प्रदेश को देखेंगे, ये मध्य प्रदेश है ये पोर्शन, उससे पूरा अच्छे से फ्लो होते हुए वो कहाँ जाता है, यहाँ पर एक अमरकंटक जगह है जहाँ से सोन नदी निकलता है और सोन नदी जाकर के बिहार में मिलता है और बिहार में वो जाकर के गंगा में मिलता है, ठीक। मैं आपको फिलहाल ये बता दूँ, नर्मदा रिवर जो यहाँ से निकला वो अमरकंटक में जाकर के ख़त्म हो जाता है, उसका यहाँ से मध्य प्रदेश में मांडला एक जगह है वहाँ से दो पार्ट में कट जाता है, वो मांडला से एक छत्तीसगढ़ आ जाता है, दूसरा भी छत्तीसगढ़ ही चले जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक फ्लो अमरकंटक जाता है और दूसरा फ्लो खैरा जाता है, ठीक है। आपको उतना नहीं जानना, आपको सिर्फ ये बताना था मेरे को, यहाँ ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। बस चलिए अब आगे का हमारा जो पॉइंट्स है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये जो हमारा बचा पॉइंट्स है उसको भी हम डिस्कस कर लें। तो जो हम पढ़े सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, चलिए उस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड,
सेंट्रल आइलैंड के कुछ पॉइंट्स जैसे कि इट इज़ वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट। अगर आप सेंट्रल हाइलैंड्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको ईस्ट तरफ में वो पतले से दिखेंगे, ईस्ट तरफ में वो पतले हैं और वेस्ट तरफ में वही थोड़े चौड़े हैं, वो मतलब फैल फैल करके हैं। ठीक है, आपको मैप में भी हो सके तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, विंध्या रेंज इज सराउंडेड बाय सतपुरा रेंज इन साउथ एंड बाय अरावलीज हिल इन नॉर्थ वेस्ट। तो विंध्या रेंज जो है हमारा, जो विंध्या रेंज आपको कहाँ मिलेगा देखने को, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और वहाँ वो जो विंध्या रेंज है वो सतपुरा रेंज, ये भी मध्य प्रदेश में ही देखने को आपको मिलेगा सतपुरा रेंज, और सतपुरा रेंज से कवर्ड है। ठीक है, मतलब घेरा हुआ है वो, उसको सराउंड किया हुआ है। और उसी जगह ये अरावलीज जो है, अरावलीज आपको पहले के वीडियोज में मैं बताया था इंडियन डेजर्ट वाले में कि ये गुजरात और राजस्थान के बीच में प्रेजेंट है। कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान के बीच में। ठीक है, तो ये अरावलीज हिल उसको नॉर्थ वेस्ट में कवर किया हुआ है, किसको? विंध्या को। और सतपुरा रेंज उसको साउथ वेस्ट में कवर, साउथ में कवर किया हुआ है। ठीक है, फर्दर इट एक्सटेंड्स टूवर्ड ईस्ट इन राजस्थान। फिर वो कहाँ बढ़ गया? राजस्थान के तरफ, जो मैं आपको बताया अरावली हिल राजस्थान तरफ फैला हुआ है, और अरावली भी हिल भी इसका पार्ट है। अरावली हिल भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, विंध्या भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, और सतपुरा भी किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड का। इसी के लिए तीनों का बात कर रहा है वो, और कोई हिल का नाम नहीं लिया इसलिए, क्योंकि ये तीनों सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है। लोग नदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे ये तीनों पहाड़। ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट में कवर किसको करता है? अरावली विंध्या को, और साउथ में सतपुरा कवर करता है विंध्या को। ठीक, और जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैप पे हम मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा ये भी, और अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान पहुंच जाता है, कौन? हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट। ठीक, और फिर वो कहाँ मिल जाता है? डेजर्ट और सैंडी रॉक से, सैंडी और रॉकी माउंटेन से जा करके वो वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको ये किस पे मैप पे भी दिखाऊंगा, बस खाली थोड़ा पॉइंट्स को याद रखने का कोशिश करें, डिस्कशन करेंगे हम आगे। ठीक, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कौन से प्लेट्यू होते हैं? जो ऐसे प्लेट्यू जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में होते हैं। मैं आपको नर्मदा रिवर दिखाया, उसके नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते थे? डेक्कन प्लेट्यू, वही चीज़ है। ठीक, इट इज़ हायर इन वेस्ट एंड स्लोपी इन ईस्ट। अगर हम उठा करके नीचे का मैप देखें, हम वेस्ट डायरेक्शन उसका देखें, जिस तरफ महाराष्ट्र था, गुजरात से निकल रहा था, मैं आपको बताया था, फिर से मैप में दिखाऊंगा, गुजरात से निकल रहा था मैं आपको बताया था, और गुजरात से निकलते हुए वो वहाँ पर वो वाइडर था, मतलब ऊंचा पे था, इसी के लिए वो उधर से ऐसे फ्लो होकर के नीचे गया। कोई चीज़ फ्लो क्यों करता है ऐसा? कोई भी चीज़ ऐसे फ्लो क्यों करता है? क्योंकि ये जगह क्या है? हाइट पर है, इसका हाइट ज़्यादा है, और ये जगह क्या है? हाइट कम है उसका, इसके कंपैरिजन कम है, इसी के लिए पानी यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पहुँचा। तो यही चीज़ वो बता रहा है, वेस्ट में वो क्या है? ऊंचा पे है, और ईस्ट में क्या है? नीचा पे है। इसलिए क्योंकि वेस्ट से नर्मदा रिवर निकल रहा था, फ्लो होकर के कहाँ जा रहा था? ईस्ट में, जो छत्तीसगढ़ है जहाँ से चालू हुआ नर्मदा रिवर, उसके ईस्ट पर है। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स आर द टू एजेस ऑफ इट। तो डेक्कन प्लेट्यू को अगर हम अच्छे से देखें, वहाँ पर हमको दो और माउंटेन रेंजेस दिखते हैं जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से फेमस हैं। ईस्टर्न घाट क्या होते हैं? वो माउंटेन, अगर आप इंडिया का मैप देखें, ये वाला नीचे का, ये नीचे का मैप देखें, आपको यहाँ पर एक माउंटेन रेंज दिखेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, जो कि बीच बीच में डिसकंटिन्यूस है, मतलब रेगुलर नहीं है, कहीं पे टूटा है कहीं पे है। ठीक, और फिर एक माउंटेन रेंज आपको यहाँ से दिखेगा, ऐसा कुछ। ये थोड़ा आगे है, कोस्टल एरिया पे नहीं है इंडिया का। मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर देता हूँ जो एग्जैक्टली आपको पता चले कहाँ पर है। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम? वेस्टर्न घाट। इंडिया का दो रेंजेस हैं, एक है ईस्टर्न घाट, एक है वेस्टर्न घाट। हम कैसे इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं? अगर मैं आपको पहले चैप्टर वन में बताया था इंडिया का डायरेक्शन कैसे समझते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। हम ऐसे इंडिया का मैप समझ सकते हैं।
ऐसे हम इंडिया का मैप समझ सकते हैं। अगर इसको डायरेक्शन को हम इंडिया के मैप के बगल में रखेंगे तो हमको अच्छे से इस चीज़ का डायरेक्शन पता चल जाएगा। देखते होंगे आप, ईस्टर्न इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है तो ईस्टर्न घाट ये है, वेस्ट इस तरफ है तो वेस्टर्न घाट ये है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो वही बता रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दो एजेस हैं। यहाँ नर्मदा रिवर कुछ आपको मैं दिखाया था, ऐसा नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा था, मैं आपको ऐसे दिखाया था, ठीक है। और वही नर्मदा रिवर का ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट उसके दो एजेस हैं, दो कोने हैं उसके, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का हाइट है वो ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। अगर कंपेयर करें, वेस्टर्न घाट है 900 टू 1600 मीटर का हाइट में, ठीक है, और जो कि हमारा वेस्ट ईस्टर्न घाट है वो 600 मीटर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो वेस्टर्न घाट है वो ऊपर है, हाई है, ऊंचा है, लंबा है, किससे? ईस्टर्न घाट से, जो कि कितना है 900 टू 1600 मीटर का है, ठीक है, और ये कितना है 600 मीटर का, ठीक है। तो ये ऊंचा है, ये छोटा है। तो रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? इस कोना से, इस मतलब रिवर इधर से फ्लो होकर के इधर जाता है, रिवर का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ छत्तीसगढ़ एक जगह है, आप जानते होंगे, और यहाँ तमिलनाडु में एक हिल्स है, इधर नहीं, इधर मिलेगा आपको तमिलनाडु में भी, वो भी कंटिन्यूस नहीं है, फैलते हुए तमिलनाडु तक आया है। और इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? ईस्टर्न घाट मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर ड्यू टू रिवर फ्लोइंग इन बे ऑफ बंगाल। मैं आपको क्या बताया, ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है? इरेगुलर है, बीच बीच से कटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो रिवर है जो इधर से फ्लो होकर के जा रहा है, इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो होकर के, मतलब वेस्टर्न घाट से फ्लो होकर ईस्टर्न घाट में जा रहा है, वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इंडिया के इस पार्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, और उसी में ही वो लोग जा करके मिलते हैं उससे, ठीक है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम वेस्टर्न घाट को देखें, इंडिया का नॉर्थ साइड कहाँ है? ऊपर है। साउथ साइड कहाँ है? नीचे है। अगर हम नॉर्थ से साउथ पे आए, मतलब कि इधर से इधर आए, ऐसे आए हम, इधर से ऊपर से नीचे आए, ये माउंटेन का इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट पे आए, इधर से ऊपर से नीचे, तो हम देखेंगे जो माउंटेन का हाइट है वो हरदम बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये है हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कॉन्सेप्ट, साथ ही सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद अभी हम देखेंगे द आइलैंड्स। तो आइए, हमारा जो टॉपिक है द आइलैंड्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। आइलैंड होता क्या है ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लूं। आइलैंड एक ऐसा पार्ट होता है जो कि चारों तरफ, जिसका फोर साइड्स किससे सराउंड रहता है? वाटर से सराउंड रहता है, उसी को हम कहते हैं आइलैंड। उसके जितने चारों साइड हैं वो चारों साइड किससे कवर रहे हैं? वाटर से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड। तो इंडिया में मेजर दो आइलैंड हैं, ठीक है, जो बड़े आइलैंड हैं, छोटे आइलैंड हैं, सब मिला करके इंडिया में दो आइलैंड हैं। एक आइलैंड है लक्षद्वीप, ठीक है, और सेकेंड आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो चलिए इंडिविजुअली दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इनके पॉइंट्स को मैं अलग कर दिया हूँ, और बहुत कुछ है इन दोनों में, सेम भी है। चलिए डिस्कस करते हैं। लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन मालाबार कोस्ट इन केरला। तो अगर आप इंडिया का अगर मैप देखे हो, ऐसा कुछ इंडिया का मैप होता है, नीचे में थोड़ा ब्रॉड होता है ये, ठीक है, ऐसा मैप होता है इंडिया का, और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे इंडिया का मैप में। यही पॉइंट्स जो हैं यही हैं लक्षद्वीप, ठीक है। और आप सबको पता है, अगर आप मैप देखे हो तो यहाँ पर केरला है हमारा, ठीक है। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? केरला, और वो केरला के बहुत क्लोज में है, ठीक है। तो इसी के लिए मालाबार कोस्ट यहाँ पर लोकेटेड है, उसी कोस्ट में यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिलेगा। और वही बता रहा है ये आपको पॉइंट कि जो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मालाबार कोस्ट के पास में है, केरला के, ठीक है।
अर्लियर दिस आइलैंड इज नोन एज लकाडीप, मिनोकॉय एंड एमिनडाइव। तो ये आइलैंड को अभी हम एक साथ लक्षद्वीप बुलाते हैं, लेकिन पहले हम अगर इंडिविजुअली इसको हम बुलाते थे, हम सबका नाम अलग अलग कर दिए थे, इसका नाम अलग था, इसका नाम अलग था, इसका नाम अलग था, ठीक है, ये पूरा पार्ट का नाम अलग था, ये लकाडीप ये वाला पार्ट था, मिनिकोय ये वाला था, और एमिनडाइव ये बड़ा वाला पार्ट था, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल को, ये पूरे टोटल को अब हम क्या बुलाते हैं, लक्षद्वीप, ठीक है। इट कवर्स एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है वो, 32 किलोमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, अगर ऐसे लिखें तो भी सही है, 32 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, बहुत ही छोटे एरिया में ये लोकेटेड है, ठीक है। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप एक यूटी है हमारा इंडिया का, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रल डायरेक्टली रूल करता है, और लक्षद्वीप पे एक जगह है कावरत्ती, क्या नाम है, कावरत्ती, वो एक आइलैंड है इसी में ही लोकेटेड बीच में, ठीक है, इसके सेंटर पार्ट में ही कहीं पे ये लोकेटेड है, एग्जैक्टली इसमें तो नहीं शो हो रहा है, आप मैप देखेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। जो कावरत्ती आइलैंड है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जितना रूल है, जितना हम जैसे हमारा इंडिया में दिल्ली से सब कुछ रूलिंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी तरह लक्षद्वीप में कहाँ पे, कहाँ से होता है, कावरत्ती से होता है, ठीक है। हाईली डाइवर्स इन फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे आपको कई किस्म के पेड़ और जानवर, मतलब कि प्लांट्स, और आपको तरह तरह के जानवर यहाँ पर मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब हमारा सेकेंड आइलैंड पे आते हैं, आंदमान एंड निकोबार, तो आंदमान और निकोबार आइलैंड आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा करके है वो, यहाँ पर आपको मिलेगा आंदमान एंड निकोबार, और आप सबको पता है बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे डिस्कस किया था, बे ऑफ बंगाल में आपको लोकेटेड मिलेगा ये आंदमान एंड निकोबार, वही चीज ये पॉइंट बता रहा है, आंदमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आंदमान, सॉरी, आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आइलैंड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट, एक है आंदमान और दूसरा है निकोबार। आंदमान नॉर्थ पार्ट को बोला जाता है, ये जो ऊपर का पार्ट है उसको कहा जाता है आंदमान, जो कि क्या है, नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, और जो नीचे का पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, निकोबार, जो कि क्या है, साउथ का पार्ट है, ठीक है। और आंदमान और निकोबार आप सोचते होंगे इसका क्या महत्व हमारे इंडिया के लिए, ये वाला जो हमारा मेजर पार्ट जो है इंडिया का, उसके लिए ये क्या महत्व रखता है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंसेबल है, जब अगर हम इंडियन ओशियन का बात करें, इंडियन ओशियन में आप सबको पता है इंडियन ओशन इंडिया के सदर्न पार्ट में, मैं पहले डिस्कस किया था, और वहाँ का अगर बात करें तो उधर से जो लोग आते हैं, चाइना से होकर के जो लोग आते हैं, उसको आंदमान एंड निकोबार पार करना पड़ता है, और आप सबको ये पता है प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं अभी फिलहाल का बात करूँ, चाइना से हमारा बन नहीं रहा है, अगर चाइना को आना जाना करना रहता है तो इसी पोर्ट, इसी जगह को क्रॉस करते हुए वो जाता है, तो वही है इंडियन ओशन में जो पावर बनाना है हम लोग इंडियन को, तो ये आंदमान निकोबार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो पॉइंट यही बता रहा है, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इट हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर आवर कंट्री, ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री के लिए। इट इज हाईली डाइवर्स्ड इन फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे भी आपको फ्लोरा और फौना का, मतलब कि पेड़ और जानवरों के बहुत सारे वेराइटीज यहाँ पे अवेलेबल आपको दिखेंगे, ठीक है। और आंदमान और निकोबार जो है ये बहुत ही क्लोज है इक्वेटर का, इक्वेटर क्या होता है आप सबको पता है, 0 डिग्री वाला लाइन जो अर्थ को टू पार्ट में ब्रेक करता है, जो अर्थ को टू पार्ट में ब्रेक करता है, कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये 0 डिग्री वाला लाइन अर्थ का, ठीक, और वो जो है 0 डिग्री वाला लाइन वो बहुत ही क्लोज है निकोबार और आंदमान से, ठीक है, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर बहुत ही आपको चेंज दिखेगा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट में, कभी बारिश हो जाता है कभी धूप होता है, ठीक है। अर्थ में एक चीज है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, अर्थ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है अर्थ में, वहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, रेनफॉल जो है वो भी ज़्यादा होता है, अगर जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर रेनफॉल कम होता है, उसी तरह, ठीक है। तो इक्वेटर पे डायरेक्ट सन का रेस पड़ता है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिस कारण यहाँ पे लगातार बारिश होते रहता है,
ठीक है, तो वही चीज है, ये पॉइंट बता रहा है, इट लाइज नियर इक्वेटर, इक्वेटर के बहुत क्लोज में, ड्यू टू विच एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, कभी क्लाइमेट चेंज होते रहता है, कभी क्लाइमेट नॉर्मल रहेगा, मतलब बारिश होते रहेगा तो कभी नॉर्मल रहेगा, ठीक है, एंड हैव थिक फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है बहुत ही पतला है, मतलब कि उतना मात्रा में यहाँ फॉरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, गैप गैप करके फॉरेस्ट प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये द आइलैंड का टॉपिक खत्म होता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो, और चैप्टर टू का जो पार्ट फाइव है यहीं पर हमारा चैप्टर टू भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे को आपको कि ये चैप्टर बहुत पसंद आया हो, और जो हमारा पार्ट फाइव में आकर के चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है, और चैप्टर थ्री भी आपके लिए बहुत जल्द अवेलेबल करेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।